हाई गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। सो इन टुडेज़ वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ होटल इनारा की रिव्यू। सो कुछ दिन पहले मैं कोलकाता में गई थी कुछ काम से, सो मैंने इसी होटल में स्टे किया था। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस होटल की रिव्यू दूंगी एंड इस होटल का जो बजट है वो भी दूंगी, रूम्स भी शेयर करूंगी। सो अगर आप लोग शियालदा स्टेशन के नियर बाई कोई होटल ढूंढ रहे हो तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये जो होटल है ये शियालदा स्टेशन से 0.7 किलोमीटर की डिस्टेंस में है एंड पैदल अगर आप आओगे तो 10 मिनट्स में आप इस होटल में पहुँच जाओगे। तो चलिए अभी मैं आप लोगों के साथ इस होटल की जो रूम है, जिस रूम में मैं थी, वो शेयर कर देती हूँ। तो आप देख सकते हो इस तरह से पैसेजेस है एंड इस तरह से दोनों साइड में इस होटल के रूम्स हैं। सो यहाँ पर जो ऑफिस है, मतलब जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करना पड़ेगा, वो सेकंड फ्लोर में है। ये वाला जो है आप देख रहे हो, ये ऑफिस है एंड यहाँ पर आपको सारा डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद वो लोग आपके रूम पर पहुँचा देंगे एंड बहुत ही वेल बिहेव्ड स्टाफ्स है यहाँ पर। मैं पिछली बार भी कोलकाता आई थी तो इसी होटल में थी। तो चलिए अभी मैं आपको अपना रूम टूर दे देती हूँ, उसके बाद इसका बजट एंड कितने में मैंने ये रूम लिया था वो सब मैं आपको शेयर कर दूंगी। वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। सो रूम में एंटर करते ही आपको पहले ही फील होगा कि ये रूम जो है ना, यहाँ का बहुत ही नीट, क्लीन एंड टाइडी है। सो जो रूम मैंने लिया था वो मैंने एसी में बुक किया था, तो आप चाहो तो एसी में भी ले सकते हो, नॉन एसी में भी ले सकते हो। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो है एक यहाँ पर आपको किंग साइज़ तो नहीं है लेकिन क्वीन साइज़ आपको एक बेड मिल जाता है जिसमें दो से तीन लोग आराम से सो सकते हैं। दो लोग तो बड़े आराम से सो सकते हैं एंड बेड साइड पे आपको एक लैंडफोन भी मिल जाता है जिससे आप एक नंबर डायल करोगे तो जो होटल स्टाफ्स हैं वो बहुत ही ईजीली अवेलेबल होते हैं, चाहे आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो वो रूम में पहुंचा देते हैं। रूम सर्विस बहुत ही अच्छा है यहाँ का एंड अभी मैं आपको दूसरे साइड से रूम दिखा रही हूँ। तो आपको अगर कुछ भी वॉक करना है यहाँ पर होटल में आके, तो यहाँ पर एक छोटा सा वॉकिंग स्टेशन भी है, एक छोटा सा सोफ़ा एंड उसके साथ एक टी टेबल आपको मिल जाता है जिसमें आप अपनी वॉक्स कर सकते हो इफ़ अगर आपको करना है। रूम में एक डस्टबिन भी अवेलेबल है, एक बड़ा सा मिरर भी है एंड आपको स्टोरेज के लिए एक अलमीरा भी मिल जाता है, टीवी भी अवेलेबल है। तो अलग अलग रूम का अलग अलग थोड़ा सा है, मतलब फर्नीचर्स वगैरह। पिछली बार मैं जिस रूम में थी तो वहाँ का थोड़ा सा फर्नीचर अलग था, बहुत सारा स्टोरेज था, तो इस रूम में इस बार उतना ज़्यादा स्टोरेज नहीं था, बस एक ही अलमारी था। तो चलिए अभी हम आ चुके हैं इस रूम के साथ ही आपको एक बैल्कनी मिल जाता है। तो ऑलमोस्ट यहाँ के सारे रूम्स के साथ आपको बैल्कनी मिल जाता है। तो बैल्कनी से यहाँ पर खिड़की है, यहाँ से आप नीचे देख सकते हो, यहाँ से आपको थोड़ा सा शहर देखने के लिए मिल जाएगा एंड ये बिल्कुल शियालदा में ही है ये होटल एंड बहुत ही ईजिली एक्सेसिबल है। यहाँ का जो ज्वेलरी शॉप वगैरह है सब कुछ इससे पास में है। तो चलिए अभी मैं आपको वॉशरूम दिखा देती हूँ। तो वॉशरूम भी आप देख सकते हो काफ़ी नीट, क्लीन है एंड यहाँ पर आपको एक गीज़र मिल जाता है, तो आपको गर्म पानी का ज़रूरत हो तो भी इजीली आपको यहाँ पर मिल जाएगा। वॉशरूम काफ़ी नीट एंड क्लीन है एंड आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एक वॉश बेसिन भी मिल जाता है, नीचे डस्टबिन भी रखा हुआ है एंड यहाँ पर सिंक के ऊपर आपको एक बिग साइज़ मिरर भी मिल जाता है जहाँ पर आप इजीली अपना फेस देख सकते हो। सो दैट वाज द ओवरव्यू ऑफ दिस बाथरूम एंड इस होटल में आपको लिफ्ट की भी फैसिलिटी मिल जाती है। सो ये जो होटल है, जिस जगह पे है, मैं उस जगह का एग्जैक्ट आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मेंशन कर रही हूँ लोकेशन। 0.7 किलोमीटर, मतलब सिर्फ 700 मीटर की डिस्टेंस में है फ्रॉम शियालदा। एंड वन मोर थिंग टू से कि यहाँ पर आपको ब्रेकफास्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है, मतलब रूम के साथ आपको ये लोग केटल एंड टी कॉफ़ी का सैचेट भी प्रोवाइड करते हैं जिससे आप अपना ब्रेकफास्ट भी सुबह बना सकते हो एंड वो एब्सोल्युटली फ्री होता है इनकी रूम के कॉस्ट के साथ। सो इस होटल का प्राइस जो उन्होंने हमसे चार्ज किया वो है 1200 रुपीज़ विद GST एंड अगर आप लोग AC में बुक करना चाहते हो तो आपको एक्स्ट्रा 500 रुपीज़ यहाँ पर पे करना पड़ेगा। बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हो थ्रू GoIBIBO एंड अगर आपको ऑफलाइन करना है तो डायरेक्ट होटल पे आके भी आप बुकिंग कर सकते हो। सो अगर आप लोग शियालदा में विद इन बजट एक होटल ढूंढ रहे हो जो कि अच्छा भी हो, सो आप इस होटल को ट्राई कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इफ सो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।